हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो खाने में है बहुत ही हेल्दी, दिखने में लगता है ये बहुत ही डिफरेंट और इसको बनाना है बहुत ही इजी। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पापड़ कोन। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ खीरा, टमाटर, लेमन जूस, प्याज, चाट मसाला और बॉइल्ड कॉर्न्स। हम लेंगे एक बोल जिसमें हम इन सब को मिक्स करेंगे। आप चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप चाहे तो चाट मसाला की जगह सिंपल नमक भी डाल सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं 2 स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए कॉर्न मिक्सचर इज रेडी। अब बनाते हैं पापड़ कोन्स। मैं आपको बताऊंगी 2 अलग अलग साइज के कोन बनाना। छोटे साइज के कोन बनाने के लिए हमें इसे बीच से कट करना है। देखिए पापड़ हो चुका है सेमी सर्कल शेप का। अब हम कट करते हैं दूसरा पापड़ बड़ी कोन शेप के लिए। इसे हमें एक साइड से थोड़ा सा कट करना है। अब मैंने लिया है एक पैन जिसको मैंने लो फ्लेम में प्रीहीट कर लिया है। सबसे पहले बनाते हैं हम छोटे साइज के कोन। हमें पापड़ को रोस्ट करना है। मैंने लिया है एक कॉटन का कपड़ा जिससे हम पापड़ को धीरे धीरे प्रेस करेंगे। अब हम इसे रोस्ट करेंगे दूसरी साइड। देखिए पापड़ अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे कोन की शेप देंगे टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े की हेल्प से। इस बात का ध्यान रखें पापड़ गर्म होना चाहिए तब ये कोन की शेप लेगा। दस से 15 सेकंड के लिए हमें इसे इसी शेप में पकड़ के रखना है। देखिए कोन है रेडी। चलिए अब बनाते हैं बड़े साइज के कोन। इसे भी हमें दोनों साइड से रोस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें पापड़ रोस्ट करते हुए फ्लेम रहेगी लो। इसे भी हम कोन की शेप देंगे टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े की हेल्प से। देखिए बड़े साइज के कोन भी रेडी है।
मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो करके 5 कोन्स बना दी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कोन्स बनी है ये। ये है मिक्सचर जो पहले हमने बनाया था और मैं ले रही हूँ नमकीन। कोन्स को हम फिल करेंगे मिक्सचर से। इसी तरह हम सारी कोन्स फिल कर लेंगे। अब हम कोन्स में नमकीन स्प्रिंकल करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला पापड़ कोन इज रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।